हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग DESSSB, TGT, PGT के प्रीवियस ईयर्स के ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हम लोग 2014 और 2018 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, DESSSB ने अपने ऑफिशियल सिलेबस को घोषित कर दिया है और उसमें ग्रेजुएशन का पोर्शन काफी अच्छा खासा है। ठीक है, तो इसलिए ग्रेजुएशन के पोर्शन को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। इससे ही आपको आपके एग्जाम में सफलता मिलेगी। आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा की अच्छे से जानकारी नहीं भी है तो भी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप वहां से आपको आपके स्टेट से संबंधित और एलबीएस केबीएस से संबंधित कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। कोर्सेज आप वहां से परचेज कर सकते हैं और अपने परीक्षा की तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस दिस एंड दिस हैज नो सोल्यूशन। देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट है सभी के सभी जीरो तो नहीं है। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखा जा सकता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखा जा सकता है। और ए इनवर्स को लिख सकते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी लिख सकते हैं। अब देखिए, जब नीचे वाली चीज अगर जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे हमको समथिंग अपॉन जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब हमको नो सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कभी भी क्वेश्चन में नो सोल्यूशन की कंडीशन आ जाए आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या कर देनी है, जीरो के बराबर कर देनी है। अब ये डिटरमिनेंट ए बनेगा कैसे, एक्स वाई जेड के कोफिशियंट को आप लिखिए। यहाँ पर देखिए 2 -1 -1 है हमारे पास, ये लिखेंगे हम लोग 2 -1 -1। सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड कोफिशियंट क्या है, 1 -2 एंड 1 1 -2 एंड 1। थर्ड में कितने 1 1 और लैम्डा है, 1 1 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना है, यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट रो के अलावा चलिए मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो 2 -2 लैम्डा और -1, फिर +1 × 1 × कितना मिलेगा हमको, 1 × λ-1 मिलेगा, फिर -1 × क्या मिलेगा हमको, 1 + 2 मतलब 3 मिलेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सॉल्व कर देते हैं, -4 λ और यहाँ से मिलेगा -2 + λ-1 -3 इज इक्वल टू 0। -4 λ + λ-3λ -2 -1 -3 -3 -6, राइट में जाएगा 6। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, यूजिंग रो एकलन फॉर्म फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x + y इज इक्वल टू 2। एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं 1 और 2x + y इज इक्वल टू 2। ये कह रहे हैं रो एकलन फॉर्म का इस्तेमाल करके आप बताइए कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, रो एकलन फॉर्म इस्तेमाल करें या ना करें, इस्तेमाल करेंगे तब भी सोल्यूशन तो नहीं बदल जाएगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो क्यों ना हम इसको ऑप्शन से चेक कर लें। पहला ऑप्शन 1 0 है, पुट करते हैं, 1 + 0 = 1 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे भी 2 + 0 = 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसको रो इक्वल फॉर्म से करें अगर, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले इक्वेशन में एक्स वाई का कोफिशियंट क्या है, मतलब इसकी मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा यहाँ पे, है ना, ऐसे बनाई जाती है। तो एक्स और वाई कोएफिशिएंट कितने, पहले में 1 और 2 है, दूसरे में एक्स और वाई कोएफिशिएंट कितना है, 2 और 1 है। और यहाँ पे सच दैट का ऐसे साइन लगा देंगे, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट है वो कितने, 1 और 2 है, उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला एलिमेंट 1 है, इसके नीचे हमको 0 बनाना है। क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - 2R1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 1 2, यहाँ पे 1 बन जाएगा। सेकंड पे ऑपरेशन लगाना था, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, और 1 - 4 मतलब -3, और 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास मिल जाएगा। बच्चे कल R2 - 2R1, 2 - 2 0, 1 - 4 मतलब -3, और 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, ये सेकंड इक्वेशन आपको क्या मिला, ये सेकंड वाले को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 0x - 3y इज इक्वल टू कितना बन चुका, 0, मतलब यहां से y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 0 मिल गई। और पहले इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है, x + 2y इज इक्वल टू 1, इसमें मैं अगर y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 व्हिच एंट्रीज बिलोंग्स टू द सेट 0 1 एंड -1। मतलब ये क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 2 बाय 2 की आप कितनी मैट्रिक्स, कितनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बना सकते हैं, जबकि उसके एलिमेंट आपको क्या रखने हैं, 0 1 और -1 में से ही कुछ रखना है आपको। तो देखिए एक चीज तो कंफर्म है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, ये तो फिक्स हो गया। अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट दो बचे उसको हमको किससे फिल करना है, 0 1 और -1 से फिल करना है। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पे 1, अच्छा एक और खास बात होती है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पर तो 0 0 हो गया, अब यहाँ पे आप जो भी पुट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्स पुट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, -x आ जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे -1 पुट करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स बन चुकी है, दूसरा बनाते हैं, अगर मैंने यहाँ पे -1 पुट किया तो यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने अगर 0 पुट किया तो यहाँ पे मुझे 0 पुट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, और कोई तरीका तो है नहीं। तो ये तीन तरीके से हमारा तीन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपकी बनाई जा सकती है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो पहले आप समझिए इस चीज को, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अगर देखिए डिटरमिनेंट का, अब देखिए मैंने आपको बताया था रैंक निकालने का दो तरीका है, एक तो आप एकलन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, दूसरा तरीका डिटरमिनेंट से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए डिटरमिनेंट मान लीजिए कि जैसे आपका जो डिटरमिनेंट है मान लीजिए 3 बाई 3 का है, कोई कोई किसी कोई मैट्रिक्स आपको दी गई होगी, जैसे n ऑर्डर की, मैं 3 ऑर्डर का ले रहा हूँ, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है वो 3 बाई 3 की है, ठीक है। अब देखिए अगर इसका डिटरमिनेंट है ना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 ना आए, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 ना आए, ये जो मैट्रिक्स होती है फुल रैंक की होती है, ये मैट्रिक्स की जो होती है वो कितने रैंक की होती है, फुल रैंक की होती है। फुल रैंक का मतलब इसका रैंक कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, इसका रैंक कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और अगर डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो ये फुल रैंक का नहीं होगा, उस समय जो इसका रैंक हो जाएगा वो 3 से कम हो जाएगा। अब 3 से कम हो जाएगा तो या तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। फिलहाल तो इन्होंने कहा कि डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो डिटरमिनेंट 0 नहीं है इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फुल रैंक की मैट्रिक्स है, फुल रैंक की मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर चूंकि n है, इसका रैंक भी कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कहा जा रहा है कि फॉर द ऑपरेटर t ऑन r स्क्वायर, मतलब एक ऑपरेटर है t ऑन r, ऑपरेटर ऑन r क्यूब डिफाइंड बाय t ऑफ x y z इज इक्वल टू x माइनस y 2x + 3y + 2z x + y + 2z, मतलब एक आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया आर क्यूब से आर क्यूब में, जो इस तरीके से डिफाइंड है। तो कहा जा रहा है ऑल आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर ईच आइगन स्पेस इज इक्वल टू व्हाट। बेसिस फॉर ईच आइगन स्पेस का मतलब ये हो गया, देखिए पहले आपको इस क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज बतानी है। देखिए जो जिसको यहाँ पे लिखा गया λ1 λ2 λ3, हर ऑप्शन में λ1 λ2 λ3 दिया गया होगा, मतलब इस जो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, पहले इससे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी वो आपको बताना है। दूसरी बात ये तो कह रहा है कि बेसिस फॉर आइगन स्पेस, मतलब इसके आइगन वेक्टर्स भी आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स बताने से संबंधित है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए पहले इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो मैट्रिक्स बनाने का तरीका ये होगा, बहुत आसान तरीका, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। देखिए इसके पहले जो इसका जो पहला कंपोनेंट है वो x माइनस वाई है, तो यहाँ पे x का कोफिशियंट कितना 1 है, y का कोफिशियंट कितना -1 है, और z का कोफिशियंट कितना 0 है, ऐसे मैंने लिख दिया। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है 2x + 3y + 2z, x का कोफिशियंट 2 हो गया, y का कोफिशियंट 3 हो गया, और z का कोफिशियंट 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड में अगर बात करें तो यहाँ पे x y z का कोफिशियंट कितना 1 1 2 है, 1 1 2, ये मैट्रिक्स बन चुकी है। अब इसी मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आपको बता दें, ठीक है। अब देखिए अगर बहुत ध्यान से अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो सारे ऑप्शंस में जो आइगन वैल्यूज इन्होंने दिया है वो कितना दिया, 1 2 3, ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 1 2 3,
1, 2, 3। तो अब इसमें तो कुछ छांटने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या मुझे आइगन वैल्यूज निकालना पड़ेगा? नहीं। अगर ये ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करते, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालते, फिर ए माइनस लैम्डा आई निकालते, यहाँ पे एक लैम्डा में एक पॉलिनॉमियल बनता, उसको हम लोग सॉल्व करके आइगन वैल्यूज को निकाल लेते। फिलहाल ये काम हमारा कम हो जाएगा, मैं आइगन वैल्यूज को नहीं निकालूंगा क्योंकि तो सारे ऑप्शन में 1, 2, 3 ही आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है? तो आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। अब फिर आपको आइगन वैक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, आइगन हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वैक्टर निकालने हैं। अब देखिए आइगन वैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई इंटू मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना होता है आपको, और यहां से आपको एक्स की वैल्यू को निकालनी होती है, ठीक है? सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करें, इसका मतलब ए माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 0। अब ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं, तो वो तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, ये डिटर्मिनेंट ना डिटर्मिनेंट जैसा लग रहा है, यहाँ आप इसको ऐसे कर दीजिए, ए माइनस लैम्डा आई मतलब ए माइनस आई मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0 0, ठीक है? तो ए माइनस आई मैट्रिक्स मैं निकाल सकता हूँ, डायगोनल में से 1 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, तो 1 माइनस 1 0, फिर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, बाकी तो एडिटिव रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, -1 यहाँ, 0 यहाँ, 2 यहाँ, 2 और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और ये। और एक्स मैट्रिक्स में क्या ले रहा हूँ, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब क्या होगा, 0 0 0, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको यहाँ से आइगन वेक्टर मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिल जाएगा। तो पहले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, -x2 = 0, और दूसरे से मुझे क्या मिलेगा, 2x1 + 2x2 + 2x3 = 0, और तीसरे इक्वेशन से क्या मुझे मिलेगा, x1 + x2 + x3 = 0। तो ये दोनों इक्वेशन तो एक ही है, सेकंड और थर्ड तो एक ही है, सेकंड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तो अब देखिए यहाँ से मुझे x2 की वैल्यू 0 मिल रही है, पहले इक्वेशन से मुझे x2 की वैल्यू 0 मिल रही है, इसको मैं थर्ड में पुट कर दूं अगर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x1 + x3 भी कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब अगर मैं x3 को -1 ले लूं तो x1 मुझे कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। तो एक आइगन वेक्टर मुझे मिल चुका है, x1 x2 x3 की अगर बात करें तो x1 कितना मिला, 1, x2 मुझे मिला 0 और x3 मुझे मिला -1, 1 0 -1। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे 1 0 -1 कहाँ कहाँ से मिलेगा। पहले ऑप्शन में 1 1 -1 मिला है, तो ये तो इलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन में 1 0 -1 मिला है, ठीक है, ये तो फिलहाल चलेगा। थर्ड ऑप्शन में लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो 1 0 1 है, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन में 1 0 -1 मिला है, तो ये भी सही है। फिलहाल दो ऑप्शन बचे हुए मेरे पास, बी और डी, इसमें से एक को इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक और निकाल लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मैं निकाल लेता हूँ। फिर से इसी तरीके का इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, आपकी बार लैम्डा की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ए माइनस 2i मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0 को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो डायगोनल में से क्या करना पड़ेगा, 2i 2 2 माइनस कर देना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप समझते ही है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ए में से सब्ट्रैक्ट करना, ए माइनस 2i मैट्रिक्स मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा 1 - 2 मतलब -1, डायगोनल को पहले देख लेते हैं, 3 - 2 कितना हो गया 1 और 2 - 2 कितना हो गया 0 हो गया, बाकी को एडिटिव उतार दीजिए, -1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 0 0 0। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है? क्या इक्वेशन बनेंगे, पहला इक्वेशन बनेगा -x1 - x2 = 0, -x1 - x2 = 0 या x1 + x2 = 0। दूसरा क्या बनेगा, 2x1 + x2 + 2x3 = 0, और तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, x1 + x2 = 0, x1 + x2 = 0 बनेगा, ठीक है? तो अब अगर देखिए ऑप्शन बी और डी बचा है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 2 को आप फोकस करिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2 को फोकस करिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यहाँ पे ये मिला है और लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यहाँ पे ये मिला है। अब इसमें देखिए आप कौन सा आइगन वेक्टर x1 + x2 = 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन देखिए 2 - 2 0 है, सही सेटिस्फाई कर रहा है, और डी ऑप्शन 2 + 2 तो 4 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। कहा जरा कंप्यूट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी गई इसका इनवर्स निकालना है। देखिए इसको मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा, अदरवाइज आपको मालूम है कि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट में आप सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को फैक्टर्स, ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, काफी लेंदी क्वेश्चन होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर मुझे इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स कैसे डिफाइंड होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका जब डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, इसका डिटर्मिनेंट टू आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। अब फिर मुझे एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने का प्रबंध करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिखे उसको उतार लीजिए आप, फोर थ्री फोर टू थ्री, फोर टू थ्री, टू टू टू, टू टू टू, फिर वन जीरो वन, ठीक है। अब जो पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है उसको राइट में रिपीट करिए आप, मतलब फोर टू वन, फिर टू टू जीरो, रिपीट कर लिया। अब जो पहला रो है सेकंड रो है उसको नीचे रिपीट करिए आप, पहला रो क्या है फोर टू थ्री फोर टू, दूसरा रो क्या है टू 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 टू, बस। अब जो ये पहली लाइन है इसको आप डब्बे में डाल दीजिए, जो पहला कॉलम है उसको भी आप डब्बे में डाल दीजिए, आपने डाल दिया इसको, ठीक है। अब बाकी जो बचा है उसमें आप एरो लगा दीजिए, ऐसे करके एरो लगा दीजिए, ऐसे एरो लगा दीजिए, ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट टू ऑर्डर का सॉल्व करते हैं ऐसे लगा दीजिए। अब देखिए एडजॉइंट में डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए, एक एक एरो को मैं सॉल्व करूंगा और रो वाइज लिखूंगा। पहले एरो को सॉल्व करा, टू वन जा टू माइनस टू इंटू जीरो जीरो, मतलब कितना आ गया टू आ गया। दूसरे को सॉल्व करें अगर जीरो इंटू थ्री कितना हो गया थ्री, थ्री माइनस जीरो इंटू थ्री मतलब जीरो, तो जीरो माइनस टू मतलब माइनस टू हो गया। थर्ड को सॉल्व करें तो कितना जाएगा टू टू जा फोर, फोर माइनस सिक्स मतलब माइनस टू, ये सॉल्व हो गया। इसको देखिए टू वन जा टू माइनस टू कितना हो गया जीरो, फिर ये कितना जाएगा वन फोर जा फोर माइनस थ्री मतलब वन, फिर कितना मिलेगा थ्री टू जा सिक्स माइनस एट मतलब माइनस टू, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा टू इंटू जीरो जीरो, जीरो माइनस टू मतलब माइनस टू, फिर टू वन जा टू माइनस जीरो मतलब टू मिला, और लास्ट में फोर टू जा एट माइनस फोर मतलब फोर मिल गया। ये एडजॉइंट देखिए आ गया, आसानी से एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट आप अपन डिटर्मिनेंट आप ए, तो डिटर्मिनेंट आप ए का मतलब इसमें टू से डिवाइड कर दिया गया, हर एलिमेंट में टू से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ए इनवर्स मिल जाएगा, कितना मिलेगा वन माइनस वन माइनस वन जीरो, वन बाई टू और माइनस वन, और कितना मिलेगा माइनस वन वन और टू मिल जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विद इन वन मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन एकलन फॉर्म इज इक्वल टू व्हाट, कोई मैट्रिक्स अगर एकलन फॉर्म में होगी तो उसका रैंक कितना होता है, नंबर ऑफ जीरोस रोज ऑफ द मैट्रिक्स नहीं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कभी नहीं, नंबर ऑफ द वेरिएबल्स कभी नहीं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स, हाँ बिल्कुल यही होता है रैंक। अगर मैट्रिक्स एकलन फॉर्म में होती है उसमें जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं वही क्या होता है उसका रैंक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। कहा जा रहा है इफ ए इज ए नाइन क्रॉस टेन मैट्रिक्स ऑफ रैंक थ्री, एक मैट्रिक्स ए है जिसका रैंक कितना है थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का मतलब था नलिटी ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का मतलब होता है नलिटी ऑफ ए, जिसको लिखा जाता है ऐसे नलिटी ऑफ ए ऐसे लिखा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। टेक्स्ट सिल्वेस्टर क्राइटेरिया होता है, लास्ट लेक्चर मैंने इस्तेमाल किया था, जरूर देखिएगा आप लास्ट लेक्चर को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिल्वेस्टर लॉ ये होता है किसी मैट्रिक्स का रैंक और उस मैट्रिक्स का जो नलिटी होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं टेन है, तो टेन के बराबर होता है। रैंक कितना दिया गया थ्री और नलिटी आपको निकालनी है इज इक्वल टू टेन, तो बताइए आपका नलिटी कितना आ जाएगा, नलिटी आपका टेन माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपका आपको आज का लेक्चर, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से जल्दी आपको अपलोड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।